आलाकमान का मुहर लगा हुआ है। महागठबंधन को जो सीटें मिली, नामांकन को किसी को महागठबंधन के बाद इजाजत नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की सियासत से निकलकर सामने आई है, जहां पर पप्पू यादव ने नॉमिनेशन तो कर लिया है, लेकिन कांग्रेस पप्पू यादव को अपना नेता मानने से इनकार कर रही है। जब आज बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से मीडिया कर्मियों ने ये सवाल किया कि पप्पू यादव तो कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन भी कर चुके हैं, तो अखिलेश प्रसाद सिंह ने मीडिया कर्मियों के सामने इस बात का खुलासा कर दिया है कि आला कमान महागठबंधन के साथ है, यानी कि आला कमान बीमा भारती के साथ है और पप्पू यादव अब कांग्रेस के नेता ही नहीं है। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले कांग्रेस की पार्टी में पप्पू ने अपनी पार्टी यानी कि जाप का विलय करवा दिया था और शर्त केवल यही रखी गई थी कि वो पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव की तरफ से बीमा भारती को पूर्णिया का कैंडिडेट बनाया गया, तो अब कांग्रेस पप्पू यादव को अपना नेता मानने से इनकार कर रही है। कांग्रेस के आला कमान यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे का भी यही फैसला है कि पप्पू यादव अब कांग्रेस के नेता नहीं है, यानी कि पप्पू को इस लोकसभा चुनाव में कुछ भी हाथ नहीं लगा। पप्पू यादव ने बड़ा सैक्रिफाइस किया, अपनी पार्टी यानी कि जन अधिकार पार्टी जाप का विलय कांग्रेस में करवा दिया, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने पप्पू को पूर्णिया लोकसभा सीट नहीं दी है। कल तेजस्वी यादव बीमा भारती के चुनाव प्रचार में गए थे, कल बीमा भारती को नॉमिनेशन करवाना था, लेकिन उससे पहले जनसभा को संबोधित करनी थी। उस जनसभा में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, लेकिन पप्पू यादव को कांग्रेस ने किनारा कर दिया है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि आला कमान महागठबंधन के फैसले के साथ है, महागठबंधन का फैसला ही हमारा फैसला है, यानी कि पूर्णिया सीट कांग्रेस की नहीं है। तो पप्पू यादव वहां से कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, पप्पू यादव कैसे नॉमिनेशन करवा रहे हैं, और अगर पप्पू यादव कांग्रेस के नेता रहते हुए वहां से नॉमिनेशन करवा रहे हैं तो इसका हर्जाना भी पप्पू यादव को भुगतना पड़ेगा, और उसका हर्जाना यही है कि पार्टी ने पप्पू यादव को निकाल दिया है। पार्टी के आलाकमान ने पार्टी से पप्पू यादव को बर्खास्त कर दिया है, अब पप्पू यादव कांग्रेस के नेता नहीं है। बता दें आपको कि ये बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर पप्पू यादव जो लगातार ये दावा कर रहे थे कि हम पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव को ये भी कहा गया कि आप इस पूरे फैसले पर पुनर्विचार कीजिए और ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन कांग्रेस ने ही पप्पू यादव को छोड़ दिया है। पप्पू यादव नॉमिनेशन करवा चुके हैं, लेकिन पप्पू यादव अब कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं रहे। हालांकि आधिकारिक रूप से अब तक नहीं कहा गया है कि पप्पू यादव पार्टी छोड़ चुके हैं या पार्टी से बर्खास्त कर दिए गए, लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि पप्पू यादव जो फैसले ले रहे हैं उस फैसले के साथ कांग्रेस पार्टी उनके साथ नहीं है, कांग्रेस के तमाम नेता उनके साथ नहीं है, कांग्रेस का साथ बीमा भारती के साथ है, कांग्रेस तेजस्वी यादव महागठबंधन के फैसले के साथ है। और ऐसे में जब पप्पू यादव ने नॉमिनेशन करवा दिया है तो क्या पूर्णिया हॉट सीट पर कांग्रेस पप्पू यादव का साथ छोड़कर बीमा भारती का साथ देगी और चुनावी मैदान में महागठबंधन के साथ नजर आएगी? तमाम खबरों से हम आपको रूबरू करेंगे, देखते रहिएगा खुश बिहार छात्र। उनके उनके नॉमिनेशन और उसके सभा में जा रहे हैं हम लोग। सर थोड़ा सा हावल भाजपा का सफाया होने वाला है बिहार। 400 पार की बात हो रही है, 400 पार और 40 पार की बात। बोला था कि मुंगेरी लाल का हसीन सपने देखने जैसा है। पप्पू यादव नामांकन करने आज जा रहे हैं। आला कमान का मुहर लगा हुआ है, महागठबंधन को जो सीटें मिली उसके बाहर जो भी हम लोगों का बड़ा औरंगाबाद जैसा सीट हम लोगों का कट गया, वहाँ पे आदरणीय निखिल बाबू उम्मीदवार थे, उनको उन्होंने तो नहीं किया नामांकन, तो नामांकन को किसी को महागठबंधन के बाद इजाजत नहीं। कार्रवाई होगी सर। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।